नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आज की क्रिकेट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको IPL के इतिहास के पांच सबसे बड़े विवादों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें क्रिकेट फैंस आज तक नहीं भुला पाए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, IPL के इतिहास का पहला सबसे बड़ा विवाद था जब हाल ही में सन 2008 में IPL की शुरुआत हुई थी। इस सीजन में लीग के साथ पहला विवाद जुड़ गया था जब हरभजन सिंह ने तेज गेंदबाज एस श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद हरभजन सिंह को 11 मैचों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। दोस्तों, उस समय श्रीसंत मैदान पर ही फूट फूट कर रोने लगे थे। इसके बाद हरभजन सिंह ने श्रीसंत से ड्रेसिंग रूम में जाकर माफी भी मांगी थी। और दोस्तों, दूसरे विवाद की शुरुआत सन 2013 में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग पर एक बदनुमा दाग के साथ हुआ। दोस्तों, IPL 2013 में तीन प्लेयर्स पर स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगे थे। इसमें एस श्रीसंत, अंकित चौहान और अजित चंदीला को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों, इस घटना के बाद BCCI ने कड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 साल के लिए बैन कर दिया था। वहीं फिक्सिंग में शामिल प्लेयर्स पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया था। दोस्तों, तीसरा विवाद भी सन 2013 में KKR और RCB के बीच हुए मैच के दौरान हुआ। दोस्तों, जब KKR और RCB के बीच मैच चल रहा था तब कोहली आउट होकर मैदान के बाहर जा रहे थे। तब उनकी KKR के कप्तान गौतम गंभीर से कहा सुनी हो गई, जिसके बाद दोनों को बहस करते हुए भी देखा गया। इसके बाद अंपायर ने आकर बीच मैदान पर बचाव किया था। और दोस्तों, IPL के इतिहास का चौथा सबसे बड़ा विवाद वह था जब सन 2012 में IPL में KKR के मालिक शाहरुख खान ने वानखेड़े स्टेडियम में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। दरअसल शाहरुख पर मैदान कर्मियों से अभद्रता और मारपीट का आरोप लगा था। हालांकि 2015 में यह प्रतिबंध हटा लिया गया था। दोस्तों, आखिरी और पांचवा विवाद वो हुआ जब स्टार ऑलराउंडर किरण पोलार्ड और घातक गेंदबाज मिशेल स्टार्क के बीच मैदान पर लड़ाई देखने को मिली। दोस्तों, मुंबई इंडियंस और RCB के बीच हुए मुकाबले में किरण पोलार्ड को इतना गुस्सा आ गया कि वह अपना बल्ला मिशेल स्टार्क पर फेंकने को मजबूर हो गए थे। हालांकि दोस्तों, बल्ला फिसल कर पोलार्ड के हाथ से गिर गया था। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।